ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम नौवें के ईश्वरावतार में पहुंचे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, जिससे कि हम अपने संबंधों में, हमारे बॉस के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने वर्क प्लेस में, अपने बिजनेस में, हर जगह पर हम आराम से अपने कार्य को डिले ना करते हुए सबसे अपने संस्कार मिलाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो अंडरलाइन संस्कार मिलाते हुए, तब जाकर के कार्य पूरा होगा। तो परमात्मा कहते हैं संस्कार मिटाने, जो गलत संस्कार है, हैबिट्स हैं, जो पुराने संस्कार हैं, चिड़ने के, इरिटेट होने के, फ्रस्ट्रेट होने के, गुस्सा आने के, ये सारे को मिटाने और मिलाने, मिलाने मतलब कि औरों के साथ में मिलनसार बनकर चलने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सो परमात्मा कहते हैं जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, मतलब कि किसी ने अगर बुला लिया, आपके बॉस ने अगर आपको बुला लिया, प्रमुख कुमारी सेंटर में आपको किसी ने बुला लिया, आ जाओ यहाँ पर सेवा है, तो आप वहाँ पर पहुँच गए फिजिकली, ठीक है, पहुँच तो गए, वहाँ पर जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो। ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। अब थॉट्स तो आपके, सपोज आपको कोई पसंद नहीं है उस जगह पे, आपको बॉस पसंद नहीं है, या आपको वहाँ पे कलीग्स आपके पसंद नहीं है वर्क प्लेस में, या आपको बिजनेस में आपके कोई बिजनेस पार्टनर पसंद नहीं है, आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर में कोई बहन या भाई पसंद नहीं है सपोज, तो आप वहाँ पे जाओगे तो बड़े मूड ऑफ करके जाओगे, उनको देखोगे तो आप विचार चलेंगे, संकल्प चलेंगे। परमात्मा इसी के बारे में कह रहे हैं मनसा से भी, मनसा मीन्स थॉट्स से भी, संकल्पों से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो, कि भाई इस समय ये कार्य जरूरी, इस समय उन्होंने क्या कहा मुझे, कल क्या गंदा बोला मुझे, मेरे को गुस्सा क्या क्या बोला, वो इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे अपना मूड ऑफ नहीं करना, मुझे वाइब्रेशंस खराब नहीं करनी इस जगह की, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे बिजनेस प्लेस हो, चाहे वर्क प्लेस हो, कोई भी जगह हो, मुझे वहाँ की वाइब्रेशन चेंज नहीं करनी, मुझे काम पर फोकस करना है, इंसान जैसे भी हो मुझे अपने थॉट्स को प्योर रखना है। तो एक सेकंड में अपने मनसा को भी चेंज करना, जो सोचो उसी समय वह करो, जो थॉट क्रिएट किया उस समय वो किया, उसके बाद में उसने ऐसे क्यों किया, वो नहीं है, मैं उसके साथ नहीं काम करूंगा, मुझे उसके साथ में क्यों डाल दिया अपने सेवा में, हाँ सॉरी मुझे काम पे फोकस करना है। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। जब सेवा का टाइम आता है तो इमीजिएटली वो संबंध और संपर्क जो होते हैं, रूहानी संबंध संपर्क, उसमें वो फालतू बातों में, मेरे तेरे के बातों में, मैंने मैंने उसने ऐसे, इन बातों में वो नहीं आते, वो रूहानियत नहीं हुई, वो जिस्मानियत की बातें होंगी, वो लो एनर्जी थॉट्स, उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। संस्कार मिटाने, पुराने संस्कार जो आपस में झगड़ा हो गया सपोज, या कुछ अनबन हो गई, वो पुरानी बातों को मिटा दिया, अपने को चेंज कर लिया, अपने हैबिट्स को चेंज कर लिया, थॉट्स को चेंज कर लिया, अपनी फीलिंग्स को उनके प्रति चेंज कर लिया और आगे बढ़ने शुरू हो गए, पर टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हों। परमात्मा के संस्कार कैसे हैं और ब्रह्मा बाबा के संस्कार कैसे हैं, वो किसी के प्रति भी कोई भी हीन भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना नहीं रखते थे, बिकॉज उनका एम इतना हाई था कि ये छोटी छोटी बातों में उनकी बुद्धि जाती नहीं थी। सो एम जिसका हाई होता है उसको ये छोटी बातें उसको असर नहीं करती है। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है, रासलीला करते हैं ना, तो रासलीला में क्या होता है, डांस करते हैं, डांडिया में डांस करते हैं, और डांस करा लेकिन कोई सामने से व्यक्ति आ गए जो कि आपको पसंद नहीं, उसके साथ करोगे नहीं करोगे, लेकिन परमात्मा कह रहे करो, वो डांस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जीवन ही हमारा डांस है। हर दिन जो हम कलाएं दिखाते हैं, कार्य करते हैं, अपने खूबियां दिखाते हैं, टैलेंट्स दिखाते हैं, वो भी तो डांस ही तो है, तो हम जीवन में डांस करते जा रहे हैं, या तो अटक अटक के डांस करें या तो फिर हम खुशी खुशी डांस करें। तो ये सब कुछ परमात्मा हमें ब्रह्मा कुमारी में सिखाते हैं। अगर आप भी अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, अपने संबंधों को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप ब्रह्म कुमारी में आकर के इस ज्ञान को सीखो, और प्लस शक्ति लेने की मेडिटेशन सीखो, ताकि आपके अंदर वो हिम्मत आए अपने अंदर परिवर्तन करने की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह है लेकिन शक्ति लेना किससे है ये सीखना बहुत जरूरी है। ओम शांति। इसके साथ